दोस्तों 25 सेकंड में टिकट बुक हो सकता है, चाहे तत्काल बुक करिए चाहे नॉर्मल बुक करिए। तो यहाँ पर आपके कुछ कंडीशन है जो कि आपको होना चाहिए। आपके पास पहला होना चाहिए कि आपके पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जो केबल कनेक्शन होते हैं जैसे हैथवे हो गया, स्पेक्ट्रा हो गया, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कम से कम स्वामी पेस की स्पीड होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है। उसके बाद आपका जो पीसी होना चाहिए, जो पीसी से बुक करने की बात कर रहा हूँ, मोबाइल से भी कर सकते हैं, पीसी होना चाहिए वो हो जाए कम से कम i5 प्रोसेसर और 4 GB रैम। ठीक है, इससे कम होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है, और अगर इससे कम है तो इस वीडियो को आप यहीं पे रोक दीजिए, क्योंकि उनके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपके पास है तो अब वीडियो आगे देखिए और इसको समझिए। तीसरा कंडीशन है कि आपका मास्टर लिस्ट बना होना चाहिए पैसेंजर का जो आप बुक करेंगे, क्योंकि वो आगे बताऊंगा किस तरह से करना है। चौथा होना चाहिए आपका टाइपिंग स्पीड और माउस की मूवमेंट स्पीड। आपका बहुत हाथ बहुत शार्प होना चाहिए जिससे आप अच्छी तरह से टाइप कर सकें, बहुत जल्दी जल्दी टाइप कर सकें। पांचवा नंबर है कि पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन में बहुत सारे कुछ ऑप्शन समझना है, आगे वीडियो में बताऊंगा कि पेमेंट ऑप्शन में क्या चीज़ होना चाहिए जो आपको 25 सेकंड के अंदर ही टिकट बुक हो जाए। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो बुक नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके देखते हैं कि जो मैं बताया हूँ अभी आपको, मास्टर लिस्ट और टाइपिंग स्पीड। और टाइपिंग स्पीड चलता ही रहेगा, मान लीजिए आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और पीसी भी i5 का है, सब कुछ है, ठीक, स्पीड वाला इंटरनेट, उसके बाद आपके पास टाइपिंग स्पीड भी है। और लेकिन पेमेंट ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा, उसका मास्टर लिस्ट, बहुत ज़रूरी है अगर जल्दी आपको टिकट बुक करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई भी स्टेशन के टिकट अभी बाद में देखते हैं, अभी बताते हैं पहले मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्ट यहाँ माई प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आप मोबाइल से मास्टर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड मॉडिफाई जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मास्टर लिस्ट खुल के आ जाएगा। तो इस तरह से मास्टर लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर न्यू यूज़र पे जैसे नॉर्मल यूज़र पे क्लिक करेंगे, जर्नलिस्ट, दि बैंक, ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल यूज़र अगर आप है तो कर सकते हैं। नेम यहाँ पर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, मेल फीमेल सिलेक्ट कीजिए, बर्थ प्रिफरेंस आप साइड लोअर, लोअर अपर, साइड अपर जो भी सिलेक्ट कर लीजिए। फूड चॉइस वेज नॉन वेज नो फूड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए लोअर अपर सब कुछ कर सकते हैं। आईडी टाइप, यहाँ पर आईडी पहले कम था, अब तो बहुत सारा आईडी दे दिया है, 8-10 आईडी यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर आप कभी सिलेक्ट करिए और आईडी नंबर यहाँ पर देखिए, जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका मास्टर लिस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे पहले से ऐड कर रखा है, यहाँ पर नीचे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 5 ऐड कर रखा है। तो ऐड करने से क्या होगा कि अगर 3-4 लोगों का आप तत्काल बुक कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 4 सेकंड ही लगेगा इन तीन लोगों का नाम, एज वगैरह डालते डालते, मेल फीमेल। अगर आप नहीं डालेंगे, नहीं मास्टर लिस्ट करेंगे तो वहीं पर ही आपको 20 सेकंड तो वहीं पर लग जाएगा, कितने भी अच्छी तरह टाइपिंग कर ले, 5 लोगों के लिए आपको वहीं इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मास्टर लिस्ट तो हो गया, ये बेनिफिट होता है मास्टर लिस्ट का। ठीक है, आगे और बता देते कि मास्टर लिस्ट किस तरह बेनिफिट करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं नई दिल्ली से लखनऊ का डाल देता हूँ टिकट, और यहाँ पर हम कभी डेट डाल के चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीसी से अगर आप टिकट बुक कर रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स। आपको सबसे पहले यहाँ पर डालना है कि कितने पैसेंजर आप जा, 2, 3, 4, तो यहीं पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मैनुअली नाम डालेंगे तो एक क्लिक आप बचे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही नाम लिख के उतनी जगह खाली रखा जाएगा। पहले क्या होता था कि 6 के 6 आता था, भर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक ही आता है, अगर 3 करेंगे 3 आएगा, 3 लोगों को भरे, आगे बढ़िए। चलिए हम बताते हैं मास्टर लिस्ट का क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ बुक नाउ करके। जैसे बुक नाउ कर ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 सिलेक्ट किया तो 3 आ गया ऊपर, ये दिखाने के लिए है। आप फटाफट फटाक से डाल सकते हैं अगर डालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मास्टर लिस्ट आपके पास है तो यहाँ पर देखिए माई सेव्ड पैसेंजर लिस्ट, 1 क्लिक 2 3 4 4 क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए, फटाफट सबका नाम है, सब कुछ देखिए डल चुका है। ठीक है, तो ये होते हैं मास्टर लिस्ट की बेनिफिट। अगर आप मास्टर लिस्ट बनाए गए तो इस तरह से जल्दी कर सकते हैं। तो लॉगिन करने से लेकर यहाँ तक आने में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड ही लगेगा, ओनली 8 सेकंड। अगर आपको टाइप ज़्यादा है वैसे नहीं तो 10 सेकंड मान लो। उसके बाद ये सारा कुछ आपको 2 सेकंड में क्लिक फटाफट क्लिक करके, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप 25 सेकंड में टिकट बुक कर सकते हैं, 1 लोगों को 2 लोग 3 लोग 4 लोगों का। ठीक है, यहाँ पर आप कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ पर देखते रिव्यू आएगा, तो रिव्यू पे भी आपको 2 सेकंड लगेगा टैक्स से क्लिक करने में। लेकिन यहाँ पर देखिए मोर टुगेदर यहाँ पर कैप्चर डालना है। अगर आप टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो फटाक से डाल लेंगे, अगर देख देख मेरा भी इतने में अच्छा नहीं बोलेंगे, 50 के ऊपर ही है। तो यहाँ गया, यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन जो सबसे लास्ट जरूरी ऑप्शन होता है, यहाँ पर डेबिट कार्ड विद पिन, यहाँ पर 2 ही बैंक रखा हुआ है। अगर आपके पास HDFC बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है तो आप 25 सेकंड में टिकट बुक कर लेंगे, ये कंफर्म है। इसके अलावा नहीं है तो आपको 30-40 सेकंड, ये 1 मिनट भी लग सकता है। अगर आपका कोई और कार्ड है, इस बैंक का नहीं है, तो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन जाइए और इस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, ऊपर से नीचे थर्ड वाला जहाँ पे पावर्ड बाय रिजर्व पे।
इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर मास्टर वीज़ा और रुपए कार्ड और एक और आया है नया, तीनों कार्ड से आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होती है, ठीक है, जल्दी पेमेंट नहीं होती क्योंकि आप ICICI का अपना मर्चेंट होता है। यहाँ पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सर, तुम वीज़ा मास्टर कार्ड और रुपये कार्ड है यहाँ पर, जैसे भी है यहाँ पर कार्ड नंबर, कार्ड नंबर के लिए आप अगर पहले से नोट पैड में कॉपी कर रखेंगे तो तुरंत पेस्ट कीजिए, एक्सपायरी डेट डाले, नाम डाले, CV डाले, कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। अब आपको बताएंगे मोबाइल पे अगर आप करेंगे तो मोबाइल पे किस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे मोबाइल स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर मैं एक हैवी डेट डाल देता हूँ और टिकट कर देता हूँ। यहाँ पर भी मास्टर लिस्ट उसी तरह से ही काम करता है, ठीक है, जिस तरह से आप काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए और आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई भी अगर सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी ट्रेन, और ट्रेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाते हैं तो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर में पेमेंट करने का जो कार्ड है वो आपको सेव करके रखना है क्योंकि यहाँ पर डेबिट कार्ड विद पिन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो आपको वही राजौर पे सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर इसकी ऐड एग्जिस्टिंग देखिए, यहाँ पर तीन ऑप्शन है, एक ऐड न्यू न्यू पैसेंजर, ऐड इन्फेंट तो पता है छोटे बच्चों के लिए, और ऐड एग्जिस्टिंग। अगर आपके पास मास्टर लिस्ट तैयार है तो एग्जिस्टिंग में क्लिक करते यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा किस तरह से आपको मैंने बताया, क्योंकि मोबाइल टाइप करते थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ फटाफट सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए, लिस्ट आ गया, तैयार हो गया। तो 2 से 3 सेकंड ही लगेगा यहाँ पर आपको लिस्ट डालने में। यहाँ पर बुक टिकट करेंगे और पेमेंट ऑप्शन पे जब जाएंगे तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं पेमेंट करूँगा तो मेरा कार्ड डिटेल्स जो है फटाफट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कैप्चा की थोड़ा सा देर होती है क्योंकि मोबाइल में टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर रजर पे हम सिलेक्ट करते हैं, रजर पे जैसे सिलेक्ट करते हैं तो मैंने पहले ही गूगल प्ले स्टोर पर अपना कार्ड डिटेल सेव कर रखा है तो वो पहले आ जाता है, हमें कार्ड अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ CVV नंबर डालने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड पर सिलेक्ट करते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड जो भी आपके पास रुपए कार्ड पे तो भी चले, यहाँ कार्ड नंबर पे क्लिक करते हैं, आप देखना आ जाएगा, ये देखिए पहले सेव किया हुआ, क्लिक किया अपने आप सब कुछ डल चुका है, कार्ड नंबर सब कुछ डल चुका है। मेरे पास के लिए आएगा वो यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन के सिक्योरिटी रीज़न से CVV नंबर डाल के हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। अब पे कर देंगे नीचे ऑप्शन क्लिक करके और पेमेंट हो जाएगा। अब कार्ड सेव करने के लिए आपको करना क्या है, कार्ड सेव के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको वहाँ पर अपना डेबिट कार्ड ऐड करना है जो कि आपके मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन में पेमेंट ऑप्शन पे मदद करता है। तो चलिए यहाँ पर जब प्ले स्टोर पर जाएंगे तो और यहाँ पर देखें पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे, देखिए मैंने पहले ऐड कर रखा है वो सबसे ऊपर देखिए, नीचे देखिए सब कुछ UPI भी ऐड है, और नीचे आपको ऐड क्रेडिट कार्ड वेट करना है जहाँ से आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करते ये सब ऐड हो जाएगा, आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है।